हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन लैपटॉप के अंदर में कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको सिंपली अपने जहां पे भी आपको जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, आपको उसको प्रोग्राम को उस जगह पर रन करना है। उसके बाद सिंपली आपको दो बटन प्रेस करने हैं, एक तो आपका है कंट्रोल और दूसरा है आपका प्रिंट स्क्रीन। तो कंट्रोल आप देख सकते हो आपको कॉर्नर में मिल जाएगा और प्रिंट स्क्रीन ऊपर वाली रूम में प्रिंट स्क्रीन। तो दोनों को जब आप टाइप कर लोगे तो आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, पर वो कहीं पे सेव नहीं होगा। उसको सेव करने के लिए सिंपली आपको अपने पेंट के अंदर जाना होगा। पेंट आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद यहाँ पेंट के अंदर आपको कंट्रोल प्लस वी डालना है और आपका फोटो आ जाएगा आपकी डिस्प्ले पे। उसको आप सेव कर लीजिए। आपको जिस जगह पर सेव करना है, जैसे मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है और जिस नाम से सेव करना है उस नाम से सेव कर लीजिए। आपका स्क्रीनशॉट उसी जगह पर सेव होगा। आप क्रॉप वगैरह भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो अपने पेंट के अंदर ही जो कुछ आपको एडिटिंग करनी है। अगर कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्प्ले में समझ में नहीं आया मैंने कौन कौन से बटन प्रेस किए हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं लैपटॉप से थोड़ा दूर आता हूँ और अब आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप देखो मैंने स्क्रीनशॉट तो पहले ले लिया था कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन से। अब मैं जाऊँगा अपने सर्च में और सर्च में जाके अपना पेंट सर्च करूँगा। पेंट सर्च करने के बाद में मैंने अपना दोबारा कंट्रोल प्लस वी डाला। कंट्रोल प्लस वी डाल के आ जाएगा आपका इमेज। अगर नहीं आया तो आप अपनी राइट क्लिक करके पेस्ट क्लिक कर देना, उससे भी आपका जो इमेज है वो आ जाएगा। कंट्रोल प्लस वी या फिर राइट क्लिक और पेस्ट, दोनों आप दबा दोगे तो आपका फोटो इमेज जो है आ जाएगी। देखो जैसे ये आ गई मेरे पेंट में इमेज। तो उसके बाद में मेरे को सिंपली ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर सकता हूँ, या फिर मैं ऊपर जाके कॉर्नर से मैं वहाँ से सेव कर सकता हूँ। तो आप सेव कर लीजिए आपको जिस नाम से सेव करनी हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों मेथड दिखा दिए। अगर उस वाले में आपको समझ नहीं आया हो या फिर इसमें क्लियरिटी कम लग रही हो तो आप पहले मेथड देख लो कि कैसे किया था, अगर आप देख लो आप कैसे किया है। तो इससे आपका स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर हो जाएगा, आप जिस लोकेशन पर उसको कैप्चर करोगे। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है अगर आपको अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर कोई स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो, अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। और फ्रेंड्स, एज आई से ऑलवेज ऑलवेज बी हैप्पी एंड पीस।